आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 11 पहुंच गई है, जबकि 37 से ज्यादा लोग बीमार हैं। इनमें से ज्यादातर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। उधर मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी समेत कई लोगों को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रायबरेली के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पहाड़पुर में मंगलवार को करीब 20 से ज्यादा लोगों ने जहरीली शराब पी ली थी। तो रायबरेली से एक खबर सामने आ रही है, जहां पे जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। कई लोगों की मौत हो गई है और लगातार मौत की संख्या बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। जहां ये संख्या पहले 6 थी, अब मृतकों की संख्या 11 हो गई है। वहीं बीमार लोगों की संख्या 37 है। ज्यादातर जिला अस्पताल में भर्ती हैं लोग अभी भी, और मामले को गंभीरता से लेते हुए अब इस पे आबकारी विभाग ने सख्त एक्शन लिया है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ चुके हैं रायबरेली से। ओम शंकर, मृतकों की संख्या अब 11 हो गई है, गंभीर होती नजर आ रही है स्थिति, क्या कहेंगे? जी हाँ, मृतकों की संख्या बढ़कर 11 पहुंच गई है। कहीं लग रही है आबकारी विभाग और शराब माफियाओं के गठजोड़ का एक नतीजा है कि जिसकी कीमत निर्दोषों को चुकानी पड़ रही है। आपको एक बात और बताते चले कि ये सरकारी ठेके से शराब ली गई थी, विंडीज नामक एक ब्रांड है। हालांकि जो है 12 से 15 घंटे के बाद इसके जहर का असर होना शुरू हुआ था, और एक एक करके जो है वो 11 लोगों ने दम तोड़ दिया और 10 लोग जो है लखनऊ के कमा सेंटर के लिए रिफर किए गए हैं। एक चीज आपको और यहाँ पे बता दें कि अगर ये कार्रवाई पहले हो जाती, जिस तरह की चेकिंग या जिस तरह की पुलिस प्रशासन अब एक्टिव मोड में दिख रहा है, तो निश्चित ही उन लोगों की जान बचाई जा सकती है जो असमय काल के गाल में समा गए। जी ओम शंकर, जिस तरह से चुनाव भी सर पर है और लगातार चेकिंग चल रही है, कच्ची और अवैध शराब को लेके पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है, क्या कहेंगे, किस तरह से आबकारी विभाग अलर्ट नजर आ रहा है इन सब मुद्दों पर? देखिए, अलर्ट तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अगर अलर्ट होता तो इस तरह की दर्दनाक घटना ना होती है। ये मरने वाले सब श्रमिक थे, और जो है वहीं पर एक बच्चे का पैदा हुआ था, उसकी छठी का निकासन था, वहीं पर लोगों सरकारी ठेके से शराब ली। हैरानी की बात यह है कि सरकारी विभाग के जो ठेके होते हैं वो आबकारी विभाग ही सप्लाई करता है जी। लेकिन हालांकि जो है धीरेन्द्र प्रताप सिंह और सेल्समैन राम प्रताप सिंह को कल गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। विशेष जानकारी खुलासा होने के बाद आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये आबकारी विभाग और पुलिस का फेलोवर है जी। ओम शंकर, सरकारी ठेके से ये शराब बरामद हुई है, और जो ये जहरीली शराब बरामद हुई है तो इसकी सप्लाई कहाँ से की गई है, और जिन लोगों ने भी सप्लाई करी या फिर जो इस ठेके का मालिक है उस पर क्या कार्रवाई हुई है? जी हाँ, ये जो है क्या कहते हैं आबकारी विभाग से ही सरकारी ठेके की सप्लाई होती है, और इस ठेके का मालिक एक धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, जो वही पहाड़पुर गांव का रहने वाला है, और उसका एक सेल्समैन है राम प्रताप, कल हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है दोनों की शराब माफिया और आबकारी विभाग की मिली भगत का नतीजा ये है कि 11 लोगों को कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी जी। ओम शंकर, कितने लोगों को अभी तक निलंबित किया गया है, कितने लोगों पे जांच हुई है, और इसमें कौन कौन सा अधिकारी शामिल है? जी हाँ, आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक जो है अजय कुमार है, आबकारी अधिकारी जो है राजेश्वर मौर्य सहित एक धीरेन्द्र सिपाही को निलंबित किया गया है, जबकि पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने जो है महाराजगंज कोतवाल और जो है सुवासा चौकी इंचार्ज सहित जो है 20 के 3 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। कुल मिलाकर निलंबन की संख्या जो है वो 9 पहुंच गई है जी। ओम शंकर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक शराब भी सेहत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन जो ये कच्ची और अवैध शराब होती है, आखिर इसमें क्या ऐसा कौन सा पदार्थ मिला होता है जो कि जहर का काम करता है? हाँ, इस बारे में हमारी बात भी हुई है आबकारी निरीक्षक से, लेकिन ये बताने में वो भी असमर्थ है। उन्होंने कहा कि इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई है शराब, ये अजीब टाइप का जो केमिकल मिलाया गया है, क्योंकि ये ऐसे में रक्षा वगैरह मिलाते हैं तो तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन इसका रिएक्शन जो है वो 12 से 15 घंटे के बाद आया है, तो इसकी भी जांच चल रही है कि इस शराब में आखिरी पर क्या मिलावट हुई थी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़े थे रायबरेली से।
तो रायबरेली से ये खबर सामने आई है जिसने सभी को हिला दिया। जहां एक तरफ चुनाव है और चुनाव के चलते लगातार पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है और शराब को लेकर सघन अभियान चला रही है और जितनी भी अवैध शराब मिल रही है, लहन मिल रही है, कच्ची शराब मिल रही है, उन सभी को नष्ट भी किया जा रहा है। वहीं रायबरेली में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। 11 लोगों की मौत हो गई है। ये संख्या पहले 6 थी और अब ये बढ़कर 11 हो गई है। वहीं 37 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि सरकारी ठेके से ही ये शराब खरीद के लोगों ने पी थी, जो अब जांच के दायरे में आ गई है और कई अधिकारियों पर आबकारी विभाग द्वारा जांच भी की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने वाला है, यानी कि कड़ाके की ठंड रहने वाली है। सुबह और शाम के समय यूपी बिहार समेत कई राज्यों में कोहरा छाया रहेगा और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यहाँ कोहरा छाया रहेगा, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया रहेगा। हालांकि आज लखनऊ में धूप निकली है, यानी ठंड से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों को परेशान कर रही है। तो धूप निकलने के बाद शाम तक एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पूरी जनवरी ठंड से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों पर हुई बर्फबारी का सीधा असर मैदानों में देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में प्रचंड ठंड देखने को मिल रही है। हालांकि 2 दिन बाद आज धूप देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के कुछ जगह पे। वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी आज सुबह से धूप के दर्शन हो रहे हैं। आज ठंड बाकी दिनों के मुकाबले कम दर्ज करी जा रही है। हालांकि धूप निकलने के बाद शाम में कैसा माहौल रहता है ये कह पाना अभी मुश्किल है। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग मौसम देखने को मिल रहा है। जहां घना कोहरा छाया है तो वही कुछ जगह धूप निकल रही है और लोगों को धूप से राहत तो मिल रही है, लेकिन अगले ही दिन ठंड का जो प्रकोप है वो और बढ़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि धूप निकलने के बाद और कोहरा और ठंड बढ़ जाती है, गलन होने लगती है। पहाड़ी इलाकों पे जिस तरह बर्फबारी हुई है और वहां पे जब धूप निकलती है तो बर्फ गलने की वजह से जो हवाएं होती है सर्द हो जाती है, उसका सीधा असर मैदानी क्षेत्रों में आता है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ठंड देखने को मिल रही है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं आगरा से। ममता, आगरा में आज धूप निकली है या सर्द हवाएं चल रही, कैसा मौसम है? जी बिल्कुल सुधा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में आज का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस है और जिसको लेकर के हालांकि धूप तो निकल रही है लेकिन सर्द हवाओं की वजह से मौसम में सर्दी काफी अच्छी बनी हुई है। जी, जैसे कि आज धूप निकली है आगरा में, तो क्या लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, क्या बाजार जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह आज जो धूप निकली है, जो हालांकि धूप तेज है लेकिन जो मौसम में जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हालांकि उसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकले तो हैं क्योंकि आज कई दिनों के बाद अच्छी खासी धूप निकली है, तो लेकिन कम मात्रा में देखने को मिल रहे हैं लोग। बहुत ज्यादा जैसे ना जो रोजमर्रा की जो जिंदगी थी उस हिसाब से नहीं, कि थोड़ा कम ही दिखाई दे रहे हैं आज भी। जी। ममता, क्या लग रहा है कि इस धूप के बाद ठंड कम होगी और बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, जैसा कि जितनी तेज ये धूप है ना, इससे ये सर्दी बढ़ सकती है क्योंकि जो धूप निकलने के बाद शाम को घना कोहरा की आशंका जताई जा रही है और घना कोहरा भी हो सकता है और जिस तरह हवाएं चल रही हैं, हवाएं की बात करें तो हवाओं से काफी मौसम बहुत ज्यादा सर्द हो रहा है। भले ही धूप निकल रही है लेकिन मौसम में बराबर ठंड बरकरार है। जी, और नगर निगम द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है? जिस तरह से मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में और ठंड पड़ेगी, पूरी जनवरी ठंड से राहत नहीं मिलेगी, तो क्या अलाव की व्यवस्था में कुछ बदलाव आया है, क्या पहले से दुरुस्त की गई है व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, जिस तरह जो प्राइम टीवी की जो खबर का असर है वो साफ तौर से देखने को मिला है कि
कुछ जगह जो नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था भी देखने को कुछ कहीं कहीं जगह पर मिली है। जी जी, यानी कि पहले से सुधार हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से, जहां उन्होंने बताया कि प्राइम टीवी की असर खबर का असर देखने को मिला है। पहले कम जगह पे अलाव की व्यवस्था देखने को मिल रही थी, वहीं इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। ज्यादा से ज्यादा जगह लकड़ियां मुहैया कराए जाने की कोशिश करी जा रही है नगर निगम द्वारा। तो वही बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड देखने को मिल रही है और कहीं कहीं धूप तो कहीं कोहरे का साया देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से कई जगह पे जो रफ्तार है ट्रैफिक की वो सुस्त पड़ती नजर आ रही है। लोग अपनी दिनचर्या के लिए, आम जनजीवन व्यस्त अस्त व्यस्त तो होता नजर आ रहा है ठंड की वजह से, लेकिन जिन लोगों को काम के लिए घर से बाहर जाना है, किसी मजबूरी कारणवश घर से बाहर निकलना है, वो निकल रहे हैं, ठंड में भी निकल रहे हैं और काफी परेशानियों का सामना करते हुए घरों से बाहर निकलते हुए नजर तो आ रहे हैं। लेकिन जहां दोहरी मार पड़ रही है देश पे, एक तरफ कोरोना की वही दूसरी तरफ ठंड की, तो लोग घरों पर रहने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। ठंड की वजह से, कोरोना की वजह से कई स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और इनकी छुट्टियां भी आगे बढ़ा दी गई हैं। जिस तरह से हर साल विंटर वेकेशन होता है, इस बार भी इसे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इस बार वजह दो है, एक तो ठंड और दूसरा कोरोना, तो दोनों की वजह से ही स्कूलों को बंद किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और चुनावी माहौल है, और ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफी दुरुस्त देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड का असर देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, घरों पे लोग जल्दी लौट आते हैं काम से, और इससे दो नुकसान और भी देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ ठंड की वजह से चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जल्दी दुकानें बंद होने की वजह से, सन्नाटा हो जाने की वजह से चोरों के हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं, कई जगह से चोरी की खबरें भी सामने आ रही है, तो वहीं घने कोहरे की वजह से भी दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ रही है। तो ठंड सबब बन रहा है परेशानियों का। और इस खबर पे अब हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं फतेहपुर से। अमरदीप, जिस तरह से दोहरी मार झेल रहा है इस वक्त देश, एक तरफ ठंड, एक तरफ कोरोना, स्कूल भी बंद किए गए हैं, और किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो ठंड के प्रकोप ने जो लोगों को आगोश में ले लिया है, उससे जरूर विषम परिस्थिति यहाँ पर खड़ी हो गई है। पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बुजुर्ग विषम परिस्थिति है बुजुर्गों के लिए है, और बुजुर्गों के साथ जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं उनके लिए भी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि बुजुर्गों का अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल में तांता लगा हुआ है अपने इलाज के लिए, क्योंकि कुछ वृद्ध ऐसे भी हैं जो श्वास की मरीज से परेशान है, स्वास्थ्य से परेशान है, तो डॉक्टर बराबर उनको यही सलाह दे रहे हैं कि आप जो है ठंड में बाहर मत निकलिए, और अगर जहाँ पर आपने बात की है कि ठंड, तो ठंड ने अपना पूरी तरीके से ठंड का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जी अमरदीप जी, जिस तरह से हम देख सकते हैं आपके पीछे धूप निकली हुई आज फतेहपुर में, अच्छी धूप है, तो आज क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या आम जनजीवन में कुछ सुधार आ रहा है? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसा आपने कहा कि धूप खिली हुई है फतेहपुर जनपद में, बिल्कुल बात सही है कि धूप तो खिली हुई है, पर धूप के साथ में गलन इतनी ज्यादा है कि अगर हम तापमान की बात करें तो इस समय यहाँ का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा जाकर के। पर अगर दूसरी बात और है कि ठंड तो है, धूप भी खिली हुई है, पर इस ठंड में जो रौद्र रूप दिखाएगा वो दोपहर 3 बजे के बाद दिखाएगा, इसलिए क्योंकि ठंड और बढ़ती चली जाएगी, धूप का धीरे धीरे नामो निशान घटता चला जाएगा। जी जी अमरदीप जी, जिस तरह से हम रोज ही ठंड की खबरें चला रहे हैं, नगर निगम के काम पर सवाल भी उठा रहे हैं, लापरवाही देखने को मिल रही है, तो क्या कुछ असर हुआ है, क्या कुछ व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, क्या लकड़ियां मुहैया कराई जा रही है, अलाव की व्यवस्था की जा रही है फतेहपुर में, कुछ बदलाव देखने को मिला? जी बात ये बिल्कुल सही है कि प्राइम टीवी ने जो ये लगातार लाइव ले करके, रिपोर्टरों को लाइव ले करके ये जो ये कार्यक्रम चलाया है कि आखिरकार क्या व्यवस्थाएं हैं नगर निगम की या नगर पंचायतों की या ग्राम पंचायतों की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि फतेहपुर जनपद में अपूर्वा जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने नगर निगम को या नगर पंचायत को पूरी तरीके से आदेशित किया हुआ है कि कोई किसी भी व्यक्ति को ठंड का एहसास न होने दिया जाए, लकड़ियों की व्यवस्था करवाई है। पर हाँ, अगर ये बात करें कि देहात में ग्राम पंचायतों की, तो ग्राम पंचायतों में अभी स्थिति पूरी तरीके साफ नहीं हो पाई है। इतना जरूर है कि जो मार्केट में जो दुकानदार हैं, जिनके पास लोग ग्राहक आ रहे हैं, वो उन लोगों ने, दुकानदारों ने जो है अपने पैसे से लकड़ियों को मंगा करके, अलाव जलवा करके आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। जी
जी अमरदीप जी, जिस तरह से ठंड की वजह से जो शाम होती है उसमें जल्दी लोग घर वापस चले जाते हैं, जो मार्केट होती बाजार होती है वो सुनसान हो जाती है, उसमें चोर उचक्के के हौसले भी बुलंद हो जाते हैं, काफी चोरी की खबरें भी सामने आती है, क्या फतेहपुर में भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? जी ये बात बिल्कुल सही है शिखा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ठंड के चलते शाम को दुकानें बंद हो जाती हैं, रोड सुनसान हो जाते हैं, चोर उचक्कों का भय लगा रहता है। पर अगर हम देखा जाए तो इस ठंड के साथ में जो चुनावी माहौल की गर्मी है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे आपके साथ में कि चुनावी माहौल की जो गर्मी है तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है, तो इसलिए रात में बराबर पुलिस प्रशासन जो है सतर्क रहते हुए जो है गश्त जारी है, तो इसलिए अभी चोर और उचक्कों के हौसले भी बुलंद तो नहीं हो पाए हैं। अब ये तो आगे आने वाला समय बताएगा कि चोर उचक्के अपनी सफलता को कहाँ तक प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमरदीप जुड़े थे फतेहपुर से। तो ठंड का कहर देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां आज कई जगह धूप देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा भी अनुमान जताया जा रहा है कि शाम तक ये ठंड और बढ़ सकती है, जहां दिन में राहत मिलेगी लोगों को धूप की वजह से, वहीं शाम में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी और पूरी जनवरी राहत मिलने के आसार कहीं नजर नहीं आ रहे ठंड से। वहीं प्राइम टीवी की खबर का असर भी हो रहा है, अलग अलग जगह से ये खबरें सामने आ रही है। हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि पहले से जो नगर निगम नगर पंचायत है तो वो सक्रिय हुई हैं और उनके काम में सुधार हुआ है और अलाव की व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है। और इस खबर पे अब हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अभिषेक, लखनऊ में आज धूप खिली है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है ठंड की वजह से, क्या कुछ बदलाव है? जी शिखा, देखिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देश इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है, जहां एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं देश के उत्तरी मैदान, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, यहां पे लगातार जो ठंड का कहर है वो बरकरार है, जहां न्यूनतम तापमान जो है वो 9 से लेकर 6 डिग्री के बीच में बना हुआ है, वहीं इस वक्त लखनऊ का जो तापमान है वो तकरीबन 10 डिग्री बना हुआ है। बल्कि आज सुबह से धूप देखने को मिल रही है, बट इसी के साथ आशंका है कि शाम के वक्त कोहरा जो है वो लखनऊ शहर पे छा सकता है। जी, और जिस तरह से बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों पे, क्या कहेंगे उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, और आसपास के इलाकों का क्या तापमान है? जी शिखा, देखिए धूप की वजह से जो बर्फ़ है वो कहीं ना कहीं पिघलना शुरू होती है, साथ ही साथ जो हवा रहती है उसमें गलन बढ़ जाती है, और ये जो हवाएं हैं वो सीधे उत्तरी मैदानों की तरफ रुख करती हैं, जिसके चलते उत्तरी मैदानों में लगातार जो गलन है वो बनी हुई है। सुबह कोहरे के साथ गलन को देखते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, वहीं शाम के वक्त जो गलन रहती है उसमें कोरोना का जो कहर है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और इन दोनों कारणों के चलते जो बाजार हैं उनमें रौनक नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़े थे, तो लखनऊ से जुड़े थे अभिषेक, उन्होंने बताया कि आज अच्छी धूप देखने को मिल रही है, वहीं लोग अपने काम पे जो जा रहे थे उनको आज थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि धूप है बाहर, दिन में तो राहत मिलेगी लेकिन शाम में ठंड एक बार फिर लोगों की दिक्कतें बढ़ा सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।